जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आप लोगों की एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, करेले के भरुआ। और ये बहुत चटपटा और मसालेदार है और बहुत कम तेल में हम आज इसको बनाएंगे। चलिए, इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है और इसको कैसे बनाते हैं हम दिखाते हैं आपको। बनाने के लिए ये चार करेला है और इसको मैं धो के काट ली हूँ, और इस तरह से काट के आपको बीच से कट कर देना है। और इसका जो बीज है ये भी हमारे मसाले में लगेंगे, वो जब बॉयल हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी आपको। ये दो प्याज है, एक टमाटर है, ये थोड़ी सी अदरक है और ये 7 से 8 लहसुन की कलियां हैं। ये मसाले हैं, ये सरसों है और ये इसको बनाने के लिए सरसों का तेल है और ये नमक है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, करेला बॉयल होने के लिए मैं इस पैन चढ़ा दी हूँ, उसमें मैं ये करेला डाल दूंगी। और ये करेला का कड़वापन हटाने के लिए आप इस तरह से इसको छील दीजिएगा। और देखिए, मैं इसमें डाल दूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। और इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल होने दूंगी। ये देखिए, हमारा करेला बॉईल हो गया अच्छे से, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, करेला मैं बॉईल हो गया है और इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। और इसका बीज जो है उसको मैं सील पे पीसूंगी, बीज और सरसों को मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, जब तक ये ठंडा होगा मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने करेले का बीज और ये सरसों रखा है, इसको मैं सील पे पीसूंगी। इसमें से ज़्यादा पूरा नहीं लेना, थोड़ा सा ही आप ले लीजिए। और इसमें मैं सरसों डालूंगी, थोड़ा सा ही पीसना है। और मैं इसको सिल पे पीसूंगी क्योंकि सिल का पिसा हुआ का अलग ही स्वाद आता है। तो चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए, ये पीस चुकी है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी और फिर मैं करेले का मसाला बनाऊंगी। देखिए, मैं अब इसका मसाला बनाने जा रही हूँ। तो मैं बताया था मैं इसको कम तेल में ही यूज करूँगी। इसको मैं 2 चम्मच के करीब तेल डालूंगी मसाले के लिए। और इसमें मैं ये जीरा डालूंगी 1/2 चम्मच। जब तक हमारा ये हो जाएगा तड़का, तो ये मैंने 2 प्याज और लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो मैं डाल दूंगी इसमें। मेरा प्याज हल्का सा हो जाएगा तो मैं ये 2 टमाटर का जो प्यूरी बनाई थी वो मैं डालूंगी इसमें। चलाना है, ये देखिए टमाटर और प्याज जो है वो हल्का सा फ्राई हो गया है। और इस टाइम मैं मसाला दे दूंगी क्योंकि मसाला भी फ्राई होगा। ये देखिए, मैं 1 चम्मच धनिया डालूंगी और ये 1 चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ, और ये 1/2 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दी, और ये 1 चम्मच मैं हल्दी डालूंगी। इसको चला दूंगी, मसाला अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। और इस टाइम मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी, नमक अपने हिसाब से कम, जिस तरह जितना आप खाते हैं उस हिसाब से डालिए। देखो, इसको मैं फ्राई करूंगी इसमें जब तक तेल छोड़ देगा। मैं
ये देखिए मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है और इस टाइम में जो ये बीज को सरसों को जो मैंने पीस के रखा था तिल पे उसको मैं इस टाइम डाल दूंगी और हल्का सा फ्राई कर दूंगी, मसाला हमारा मिल जाए एक साथ। और इसमें मैं ये आधी चम्मच गरम मसाला डाल दे रही हूँ। देखिए हमारा मसाला कलर कितना अच्छा हो गया है। ये देखिए मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है और ये स्टफिंग के लिए रेडी है। चलिए मैं इसका करेले में स्टफिंग कर लेती हूँ। और कितना मैंने कम तेल में बनाया है इसको आप देख सकते हैं और ये बहुत ही चटपटा बनता है करेला। ये देखिए मेरा मसाला ठंडा हो गया है हल्का सा और इस टाइम मैं करेले में स्टफिंग कर लूंगी। इस तरह से पूरा मसाला इसमें डाल देना है। इस तरह से मैं पूरे करेला को कर लूंगी, उसके बाद मैं हल्का सा इसका फ्राई करूंगी। ये देखिए मेरे पूरे करेला स्टफिंग हो गया है और मैं इसको हल्का ऑयल में ही इसको मैं बनाऊंगी। ये देख सकते हैं मैं कितना कम तेल यूज कर रही हूँ इसको फ्राई करने के लिए, क्योंकि जितना कम तेल आप खाने में यूज करें उतना अच्छा है। और करेला मैंने शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और एक ही रेसिपी हमेशा करेला शुगर पेशेंट को दिखता है, बॉयल करके खाओ या जूस बना के खाओ, तो इसीलिए ये आप बना के खा सकते हैं क्योंकि इसमें तेल नहीं है और ये चटपटा भी है और करेला फायदेमंद भी है। देखिए मेरा करेला एक तरफ से हो गया और मैं दूसरी तरफ से भी इसे सीख लूंगी अच्छे से। देखिए कितना अच्छा से ये कम ऑयल में ही हुआ है। मैंने पूरा गोटा करेला ही रखा था, आप चाहे तो इसको हाफ भी कर सकते हैं, हाफ करके भी आप बना सकते हैं इसको। ये देखिए मेरा दोनों तरफ से कितना अच्छे से हो गया है, अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए मेरे करेले दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। अब मैं इस टाइम निकाल लूंगी और ये बहुत ही कम ऑयल में बना है और कितना अच्छा लग रहा है। चलिए मैं इसका एक अच्छा सा प्लेटिंग करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा सा हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है कलर। देखिए भड़वे वाली करेला मेरी बनके तैयार है, इसका मैंने प्लेटिंग कर लिया है और मैं जा रही हूँ इसको खाने के लिए। प्लीज़ आप लोग भी एक बार, करेले तो बहुत खाए होंगे मगर प्लीज़ एक बार इस तरह से बना के खाइए, ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। इसको बच्चे भी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कड़वापन नहीं है और ऑयल फ्री भी है। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार ज़रूर अपने घर पे बनाइएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि कैसे बने। तो बानी की रसोई को आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिख के बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसे लगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।